नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन पीएचयू पाठशाला पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग हिंदी का एक नया लेक्चर पढ़ेंगे, एक नया टॉपिक जिसका नाम है संज्ञा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि क्या है इसमें संज्ञा। आपको मैंने बताया था शब्द के भेद मैंने बताया था, उसको बताया था मैंने विकारी और अविकारी शब्द, विकारी भी बताया था और अविकारी, विकारी और अविकारी। परिवर्तन के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द में क्या था, संज्ञा था, सर्वनाम था, नाम, विशेषण एक था, क्रिया एक ना, ये विशेषण था, ये था, इधर था क्रिया विशेषण आपका समुच्चय बोधक था और एक विस्मय बोधक था और एक संयुक्त। तो ये सारे जो आपके थे पूरे आठ थे, यही इन्हीं को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं इंग्लिश में। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, यही सब आठ पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। ठीक ना, तो इन्हीं में से हम लोग एक को देखेंगे, संज्ञा। बहुत ही सिंपल सा संज्ञा है क्या, ठीक ना, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं संज्ञा, ठीक ना, इंग्लिश में रटते आ रहे हैं एकदम। क्या है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, यही सब। तो नाउन क्या है, नाउन एक, ये संज्ञा क्या है, नाम है। वो नाम किसका हो सकता है, किसी जगह का हो सकता है, किसी आदमी का हो सकता है, किसी जानवर का हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है, ठीक ना। तो किसी भी चीज का, यहाँ दुनिया में जो भी चीज है उसका कुछ ना कुछ तो नाम होगा ही, और नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है, संज्ञा किसको कहते हैं, नाम को संज्ञा कहते हैं, नाम को संज्ञा कहते हैं, नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे ये एक चीज है, ये एक चीज है, इसका नाम मार्कर, ये हो गई संज्ञा। मैं हूं, मेरा नाम चंदन, ये भी क्या हो गया, संज्ञा। आप कोई भी वस्तु ले लीजिए तो उसका कुछ ना कुछ, जैसे पहाड़, वो भी एक संज्ञा, ठीक ना, नदी एक भी एक संज्ञा, दिल्ली एक शहर का नाम है वो भी एक संज्ञा। तो हर चीज संज्ञा है, यहाँ पे कुछ भी संज्ञा से परे नहीं है। तो संज्ञा क्या है, संज्ञा एक नाम है। तो आप सीधा सीधा अगर इंग्लिश में आप बोलना चाहते, नाम इज अ नेमिंग वर्ड, ऑल द नेम्स आर नाउन, जितने भी नेम है यहाँ पे सब क्या है, नाउन है। तो संज्ञा क्या है, बस नाम है। तो नाम कितने तरह का हो सकता है, नाम बहुत तरह का हो सकता है। जैसे नाम किसी विशेष व्यक्ति का हो, किसी विशेष व्यक्ति का हो तो वो कहलाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नाम किसी पूरे जात का हो, जैसे ब्राह्मण जात, ठीक ना, खिलाड़ियों की एक जात होती है, डॉक्टरों की एक जात होती है, छात्रों की एक जात होती है, ठीक ना। नाम किसी एक जाति का हो तो कहलाएगा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक ना। नाम किसी समूह का हो तो कहलाएगा समूहवाचक संज्ञा, जैसे भीड़ हो गया, टीम हो गया, पुलिस हो गया, ठीक ना, टीम हो गया, ये समूह है, तो ये कहलाएगा समूहवाचक संज्ञा, ठीक ना, समूहवाचक। नाम किसी जो है, नाम किसी पदार्थ का हो, जैसे सोना, चांदी, ये सब पदार्थ है, तो इनको कहते हैं पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा, पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। नाम किसी की भावना का हो, तो ये भावना का हो तो ये कहलाएगा भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के पांच प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक और भाववाचक। यही नाउन होते हैं, इंग्लिश में आप पढ़े होंगे दो तरह के नाउन होते हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, जिनको गिन सके जिनको ना गिन सके। ये तीनों जो हैं काउंटेबल नाउन है, इनको हम गिन सकते हैं। ये दोनों जो है अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि हम किसी भी पदार्थ को, जैसे आप लीटर को हम गिन नहीं सकते, दूध को, तो उसको मापने के लिए हमने एक मेजरमेंट बना दिया है लीटर, लेकिन हम गिन नहीं सकते उनको, ठीक ना। भाव, भावना को हम गिन नहीं सकते, भाव हम छू ही नहीं सकते, तो गिन कहां से सकते हैं। भाव हमारे मन में होता है जिसको हम फील नहीं कर सकते। जैसे आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पढ़े होंगे तो ये है सॉफ्टवेयर, ठीक ना, आप किसी एप्लीकेशन को छू नहीं सकते, तो वही है भाववाचक संज्ञा, बस भावना आपकी। अब ये है क्या, आपको समझ में आएगा। जैसे व्यक्तिवाचक कोई विशेष, कोई विशेष व्यक्ति हुआ, जैसे आप ले लीजिए विराट कोहली, विराट कोहली, विराट कोहली एक विशेष व्यक्ति है, इसीलिए किसके अंतर्गत आएंगे, ये आएंगे जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के। इनकी जाति क्या है, जाति मतलब ये पहले जो है, अब देखिए पहले जो प्राचीन प्राचीन जमाना था उसमें जो जात आपकी कर्म के आधार पर निर्धारित होती थी,
अगर आप जूता सिलते हैं तो आप जो है आ जाएंगे निम्न कुल में, अगर आप गीता का पाठ करते हैं तो आप ब्राह्मण हो जाएंगे, अगर आप किसी को आप जो है मारपीट करने में वो है, आप रक्षा कर रहे हैं किसी की, तो आप छत्री में आ जाएंगे, सेना में भर्ती हो जाएंगे। तो यही सारी चीजें हैं। लेकिन अब क्या हुआ है, अब ब्राह्मण का लड़का ही ब्राह्मण होगा, मतलब अब वर्ण को जो है बांट दिया गया है, ये ऋग्वेद से ही वर्ण को क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है कि ब्राह्मण का लड़का ही ब्राह्मण होगा, चाहे उसके अंदर योग्यता हो या ना हो। आप देख रहे हैं आजकल बहुत सारे ब्राह्मण है, ब्राह्मणों का काम है कि देश को या देश के राजा को शिक्षा देना या लोगों को शिक्षा देना, लेकिन वो शिक्षा आज देख रहे हैं देश के ब्राह्मण क्या कर रहे हैं, बहुत लोग तो शराब पी रहे हैं, बहुत लोग तो जो भी अपना कुछ कर रहे हैं, मतलब वो जो है निम्न कोटि में भी आ गए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत बढ़िया काम करते थे, जैसे आप रविदास जी का नाम सुने होंगे, थे तो हरिजन लेकिन काम बहुत बढ़िया किए उन्होंने, तो यही सारा आप अम्बेडकर जी का नाम सुन लीजिए हरिजन, तो ये सारी जो बात व्यवस्था है अब जो वर्णों का निर्धारण होने लगा है, जन्म से ही होने लगा है कि जिस कोटि में जन्म लेगा वो उसका हो जाएगा, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो इसी तरह ये जो है इनकी जात क्या है, ये जात, ये जो भी जात की हूं ठीक ना, इस समय इनकी जात क्या है कि ये खिलाड़ी, खिलाड़ी ठीक ना, खिलाड़ी। अगर इन लोगों का सारे खिलाड़ियों का समूह बना दें, समूह बना दें तो समूह वाचक संज्ञा बन जाएगी जिसको आप बोलते हैं टीम ठीक है। अब ये किसी न किसी पदार्थ से खेलते होंगे, आप देखे होंगे बैट बॉल, या इनको जीतने पे कोई ना कोई पदार्थ का मेडल मिलेगा ठीक है, अगर ये जीतेंगे तो इनको गोल्ड मिलेगा, सोना का मेडल मिलेगा, गोल्ड ठीक ना, चांदी का मेडल मिलेगा, तो यही तो है पदार्थ ठीक ना, सोना चांदी ये सब क्या है पदार्थ। अगर ये हार जाते हैं तो इनके मन में भी तो भाव आएगा हारने का जीतने का, अगर जीत जाएंगे तो बहुत सारी एक्साइटमेंट होगी, बहुत खुशी होगी, दुखी होगी, रोवाई आएगी, हंसाई, आप सुने होंगे रोवाई ठीक ना, रोवाई हार जाने पे रोवाई आती है ठीक ना, कभी कभी जीत जाने पे भी रोवाई आती है, तो ये जो मन में जो भाव उत्पन्न होता है वही बस भाववाचक संज्ञा है ठीक ना। आप देखिए बुढ़ापा, ये जो आपके जीवन की अवस्था है, बुढ़ापा बचपन, ये सब क्या है भाववाचक। आप किसी लड़के को ही देखते हैं, कोई बोलता है कि इसे काम नहीं हो पा रहा है, जवानी में ही बुढ़ा हो गया, तो बुढ़ा हो गया वो देखने में तो लड़का लग रहा है लेकिन अंदर से उसकी भावना कैसी हो गई, बूढ़ी हो गई है, मतलब एकदम कमजोर हो गई है, बूढ़ा का मतलब कमजोर होता है, तो एकदम कमजोर हो गई, उससे काम नहीं हो रहा है। ये सब जो है जवानी की जो अवस्थाएं आती है वो सब भाववाचक संज्ञा में आती है। आप कहते हैं ना मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, आप भावना से मान लीजिए कि अगर आप हार गए तो हार गए, आपसे एग्जाम नहीं निकलेगा, अगर मन से मान लीजिए कि आप जीत गए तो जीत जाएंगे ठीक ना, बस भाव का ही खेल है, मन का ही खेल है, मन अगर तैयार है तो आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो यहां से आपको ध्यान से समझना है व्यक्तिवाचक जातिवाचक क्या अंतर है ठीक ना। जैसे आप देखिए पर्वत तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे पर्वत हैं, अरावली विंध्याचल ठीक ना, तो उसमें क्या है अगर मैं हिमालय की बात लूं तो हिमालय एक मुख्य पर्वत है हिमालय, लेकिन पर्वत तो बहुत सारे हैं, तो पर्वत किसमें आएंगे जो बहुत सारे होते हैं ठीक ना। अगर मैं अपना नाम लूं चंदन ठीक ना, तो चंदन क्या है एक जो है विशेष व्यक्ति है, लेकिन टीचर तो बहुत सारे हैं, अध्यापक 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 क्या है बहुत सारे। बात समझ रहे हैं व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में क्या अंतर है, व्यक्तिवाचक किसी विशेष व्यक्ति का नाम होता है और जातिवाचक उनके पूरी जाति का बोध कराता है। जातिवाचक में और देख लीजिए छात्र, छात्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं सुरेश का नाम लूंगा तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, और डॉक्टर, डॉक्टर भी तो बहुत सारे हैं ठीक ना। तो ये आप जानते हैं एक जाति के लोग बहुत होते हैं, अगर एक किसी का बात करेंगे तो व्यक्तिवाचक कहलाएगा, पूरे जात का बात करेंगे तो वो जातिवाचक कहलाएगा। जात का मतलब ये नहीं कि आप ब्राह्मण है क्षत्रिय है जो कुछ भी है ठीक ना, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे ठीक ना, आप कैसे हैं, तो यही सारा जो है जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। अगर इनका समूह बनेगा तो ये समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे आप देखिए आर्मी, आर्मी हमेशा जो है समूह में रहती है, आर्मी ठीक ना, आर्मी। आप देखिए भीड़, भीड़ क्या होती है समूहवाचक, क्योंकि बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो उसको भीड़ कहेंगे ठीक ना। पुलिस, पुलिस भी आती है हमेशा भीड़ में ठीक ना, तो ये सारी चीजें जो है समूहवाचक। पदार्थ हमारे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, पदार्थ क्या होता है सोना चांदी जो कुछ भी है यहाँ पे, पारा आप जानते हैं ये सब क्या है पदार्थ है, और जो भी आपके मन में भावना आ रही है वो सब भाव, बचपन बुढ़ापा बुढ़ापा ठीक ना, जवानी ये सब क्या है, ये सब भाववाचक।
फिर से एक बार क्लियर कर लीजिए, संज्ञा के पांच प्रकार होते हैं। संज्ञा बस नाम है, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम होगा, किसी जाति का नाम होगा, किसी समूह का नाम होगा, किसी पदार्थ का नाम होगा या किसी भाव का नाम होगा, जिसका भी नाम होगा नाम ही को संज्ञा कहते हैं। बात क्लियर है यहाँ पे। इस धरती पे बस यही पांच है, इन्हीं पांचों को अलग अलग तरीके से आप पढ़ते हैं तो इन्हीं को कहते हैं संज्ञा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देखिए और थैंक यू, ऑल द बेस्ट।